बहुत अच्छा तजर्बा रहा। अगर ये उत्ते मेहनत की जाए, प्रॉपर टाइम दिता जाए, जानवर नु समझा जाए, प्यार ज्यादा जल्दी एक तरह हो जाता है। मतलब तो स्टार्ट की सी 5 तो 6 जानवर सर, फिर तजर्बाकार बंदा नहीं तो उन्होंने नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं रखनी चाहिए, सही सोचना भी नहीं चाहिए। हर बंदे लिए बाहरों परचेज करके मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। जो होंगी वे तो रवायती काम में पुराना चलता आ रहा वे, अज तो नहीं है, जदों की दुनिया कायम है उदों तो स्टार्ट है। एक तो बिल ही नहीं तरदा पाया, इन्होंने तो इनिया फैसिलिटियां दित्तियां जांदियां ने, सोच ही नहीं है। ये तो सरकारी मुलाजमान ना भी बेहतर ने। अलैकुम, वालेकुम सलाम, की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो शुक्र अल्लाह, तू सुना, सब खैरियत है? जी? अलहमदुल्ला जी, बिल्कुल खैरियत। अच्छा जी भाई, सब तो पहले अपना नाम दस्यो जी। हमजा सजाद। हमजा भाई, अपना यह फॉर्म किस इलाके च है? चीचावतनी दे नाल 4 किलोमीटर सफर है जी, 42-12 चीमे वाली, उत्थे वे रह ठीक हो रहे। गए। डेयरी फार्म का की नाम है? चीमा डेयरी फार्म है। चीमा डेयरी फार्म। हमजा भाई, ये दसो कि किन्ने क सालों तो तुसी जना डेयरी फार्म जना इन चला रहे हो? 3 कु साल हो गए ने स्टार्ट किए। 3 साल। इस 3 साल तो पहले की कर रहे थे? इस 3 साल तो पहले जिमीदारा ते दूसरा सी मझां वगैरह दा सिस्टम यानी आम रवायती अंदाज। रवाई। 3 सालों का तुहाडा तजर्बा की रहा? काम अच्छा है, प्रॉफिटेबल है या नहीं? बहुत अच्छा तजर्बा रहा। अगर ये उत्ते मेहनत की जाए, प्रॉपर टाइम दिता जाए, जानवर नु समझा जाए, प्यार किया जाए, खाली एक बिजनेस समझ के ना किया जाए, इन्हों जी इन्होंने जी मोहब्बत लगाओ की जाए, फिर तुम्हें बेनीफिट मिलेगा। हर बिजनेस की तरह ये उतार चढ़ाव है ने, जी जी हर चीज़ा ये मतलब नुकसान भी ने, फायदे भी ने। अगो लोंग टाइम किसी वक्त मुश्किल वक्त भी आ जाता है, काफ़ी मुश्किल आ जाता है, लेकिन वो जी गुजारना पैंता है। फिर बहुत अच्छा वक्त भी आ जाता है, जिस तरह होना सर्दियाँ ने, पीक सीजन ने, जी अच्छा दूध मिलता है, गर्मियाँ थोड़ा मुश्किल भी आ जाता है। हमजा भाई, बिजनेस होर भी काफी सी, ठीक है? तुसी इस डेयरी दे ही बिजनेस नो क्यों कंटिन्यू जड़ना कीता? ज़्यादा जल्दी एक तरह हो जाता है, मतलब तो समझ आ जाता है। ये बाद इनकम कह लो कि तुसी तो इन्वेस्ट का तरीका है वे कि तुसी एक दिन इन्वेस्ट कर दो, दूसरे दिन ये इनकम स्टार्ट हो जाती है, जी तो जी खर्चे बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। सही तो ये रिस्क घट है भी है, लेकिन घट है वो नस्बत। अगर थोड़ी तो मैनेजमेंट अच्छी हो, अखराजात अच्छे करो, जी जी जानवर की केयर करो, बेहतरीन। सही है। अच्छा हमजा भाई, जो तुसी 3 साल पहले इनू शुरू किया सी, ते किन्ने के जानवरों तो जड़ना है तुसी डेयरी की थी? वैसे तो जड़ी तुहाड़ी रवायती सी वो तो तुसी मजा रखिया सी, लेकिन गांव वाली साइड ते जड़ना तुसी आए, ते किन्ने के जानवरों तुसी स्टार्ट किया सी? तकरीबन स्टार्ट की सी 5 तो 6 जानवर सर, फिर सही आस्ता आस्ता रूटीन नाल परचेजिंग करते करते सही 35 कुछ जानवरों पर स्टे किया। सही। तो बाद इस टाइम अपने को इतने किन्ने जानवर है टोटल? 50 तो पूरी नहीं, 50 तो ऊपर है। मिल्किंग वाले जानवर किन्ने हैं? मिल्किंग वाले 20 में। 20। बाकी ये जड़ना ब्रीडर वगैरह है अपना? ब्रीडर रखे हुए सर। सही है। अच्छा, जेडे मिल्किंग वाले तो अलावा वो अपने किन्ने जानवर है? 30+ ने। 30+ है। अच्छा हमजा भाई, सानू तुसी ये दसो कि अपनी ब्रीड की है, ये मिक्स है या इंपोर्टेड ब्रीड है? ये कुछ जानवर इंपोर्टेंट ने, सही है कुछ क्रॉस जानवर ने, अच्छी किस्म दे ने, जी। ते कुछ लोकल जानवर भी है ने, चंद ने वो थोड़े बहुत, उन्होंने मिल्क अच्छा है इसलिए वो रखे हुए ने। सही है। इंपोर्टेंट जी ब्रीड है वो कि है? वो अमेरिकन ने, सही अमेरिकन ब्रीड है, ते कुछ डच सन, वो थोड़ी जी उन्होंने नुकसान हो गया से। सही। डच जड़ना है वो अपने इतने नहीं चल रहे? डच बिल्कुल, मेरे ख्याल तजर्बाकार बंदा नहीं तो उन्होंने नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं रखनी चाहिए, सही। सोचना भी नहीं चाहिए। डच नहीं है अपने अपने एरिया से? ठीक नहीं है नहीं, अपने पाकिस्तान जी नहीं ठीक, पाकिस्तान जी ठीक नहीं डच ठीक, क्रॉस से आ जाए कोई 20% 30% वो ठीक है, है। लेकिन अगर तुझे को बिल्कुल प्योर डच रखनी, मैनेज करना, वही क्या एक बच्चे की तरह, मतलब बहुत मुश्किल है। सही। नहीं मैनेज जड़ी अपनी लोकल ब्रीड है वो लोकल जड़ ना वो क्रॉस है या वैसे लोकल है जिमें साहीवाल है चोलिस्तानी है? लोकल दो साहीवाल ने, कुछ चोलस्तानी ने, 2-4 जानवर ने, बस वो दूध अच्छा दे रहे ने इसलिए सही उन्होंने रन कर रहे और उन्होंने ब्रीड अगे वधा रहे हैं। जरा सही है। जी तुम ये ब्रीड अगे वधा रहे हो लोकल दे विच, वो क्रॉस वाली है या वैसे आम? लोकल दे विच क्रॉस वाली नहीं, मतलब सीमन करके इंपोर्टेड कर रहे हैं। ठीक हो गया सिमन जटना। अच्छा ये हुण जी तुम ब्रीड अगे बढ़ा रहे हो, ठीक है, तुहाडे नज़दीक अपनी ब्रीड तैयार कर लेना वो बेहतर है या जानवर बाहरों परचेज कर लिया जाए वो आसान है? ब्रीड बेहतर है, ब्रीड बेहतर, क्योंकि हर बंदे लिए बाहरों परचेज करके मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। सही है। मतलब थोड़े जानवरों तो अपनी ब्रीड तैयार की जाए, फिर आस्ता आस्ता उन्होंने बेहतरी ले आया जाए। सही है। अच्छा हमजा भाई, 50 जानवर तुसी दसे,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ? ਤਕਰੀਬਨ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਬੈਂਸਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। 3 ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਉਹ ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ? ਮੁਸਤਕਿਲ 24 ਘੰਟੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਵਰਕਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਵਰਕਰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਖਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੂਦ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਸੂਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੂਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਟੁਰ ਜਾਣ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸੂਦ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਡ ਡਾਲੀਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ 1-2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਣ, 1-2 ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਗਰ ਲੋਅ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।